Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इटवा विधानसभा के बीजेपी विधायक सतीश द्विवेदी को मिली धमकी। देश व प्रदेश में बीजेपी विधायकों को धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला है सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सतीश द्विवेदी को मिली जान से मारने की धमकी। विदेशी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज पर अली बुदेश भाई नामक व्यक्ति ने दी जान से मारने की धमकी। मैसेज में लिखा है कि यदि रंगदारी की रकम नहीं चुकाई तो विधायक के परिवार के सदस्य को मार दिया जाएगा। मैसेज में 10 लाख रुपए की रकम देने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई है। विधायक ने इस मामले में सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि धमकी शनिवार से ही मिल रही थी, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर रहे थे कि कोई शरारत कर रहा होगा, लेकिन लगातार धमकी मिलने पर इसे वे गंभीरता से लिए। विधायक का कहना है कि इस मामले को एसपी को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को पर्दाफाश करने में लगी है, जल्द ही लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब खुलेआम विधायक को रंगदारी व जान से मारने की धमकी मिल रही है, विधायक ही नहीं महफूज है, तो आम लोग क्या होंगे। पेश है सिद्धार्थनगर यूपी से दीप कुमार यादव की रिपोर्ट। अपने सिद्धार्थनगर के एसपी रणबीर सिंह जी को मैंने फोन करके तुरंत ही बताया। सुबह सर्विलांस के लोगों ने बताया कि ये अमेरिका के टेक्सास का नंबर है, इंटरनेशनल नंबर से मैसेज आ रहा है। तो लेकिन अगले दिन फिर मैसेज आया कि मेरी बात को गंभीरता से लीजिए, 2 दिन शेष बचे हैं और आपको तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक अपने परिवार का एक मृत शरीर नहीं देखेंगे। और ये क्रम तब से लेकर के कल शाम तक जारी है। अभी आज तो कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन लगातार ये मैसेज आते रहे। शुरू में तो हमने बता दिया था, पुलिस को सूचना दे दी थी, एसटीएफ और एटीएस को जानकारी में था, जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन एफआईआर नहीं दिया था क्योंकि लग रहा था कि हो सकता है कोई शरारत कर रहा हो, मामला निपट जाए, ट्रेस हो जाए। कई बार कुछ सिरफिरे भी इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन जब समाचार मिला कि कई सारे विधायकों के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं और लगातार ये मैसेज आ रहा है, तो फिर मुझे लगा कि औपचारिक रूप से प्रथम सूचना दे देनी चाहिए पुलिस को। इसलिए आज हमने जिले पर एफआईआर दर्ज कराई है और जो हम लोगों को जानकारी है उस हिसाब से एटीएस, एसटीएफ, गृह मंत्रालय सारे लोग उसमें लगे हैं। सरकार पूरी तन्मयता से इस मामले को पर्दाफाश करने में लगी है, जल्दी ही पकड़े जाएंगे लोग। मुझे लगता है कि मनोबल गिराने के लिए या एक दहशत का माहौल पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही है तेजी से विकास के काम में, अब कुछ अराजक तत्व होंगे, डिस्टर्ब करना चाह रहे होंगे, इसलिए शायद ध्यान बटाने के लिए हरकतें की जा रही है, लेकिन सरकार लगी हुई है, जल्दी पकड़े जाएंगे लोग। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.